अरे नहीं, बाउंसर बाउंसर के क्लब शॉक रहेंगे ना, तो उसको दूसरे दिन छोड़, मतलब पीपल विल नॉट कीप हिम एज बाउंसर्स। बाउंसर का काम है कि झगड़े को रोकना। सिंस लास्ट 14 इयर्स आई हैव बीन डिकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ सिंबल्स लोगोस एंड ग्राफोलॉजी टू अनलीश द लाइफ बिजनेस एंड फाइनेंसेस। देर एनी एडवांटेज ऑफ क्लब स्ट्रोक? किसका क्वेश्चन है? सुशांत रायकर। तो सुशांत जी, मेरा मेरा क्वेश्चन ही आपसे रहेगा कि क्लब स्ट्रोक का मीनिंग क्या होता है? सर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, करेक्ट। तो आप बोलिए, फ्रस्ट्रेशन का अच्छा मैनिफेस्टेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? मे बी वेयर एग्रेशन इज रिक्वायर्ड ही विल एक्सप्रेस बेटर। तो क्लब स्ट्रोक का अच्छा मैनिफेस्टेशन कहाँ पे हो जाएगा? खून खराबा। अगर आपको किसी की पिटाई करनी है, किसी को मारना है, तो या किसी का किसी की मतलब यू नो बहुत कहीं ना कहीं किसी को हर्ट करना है, तो ऐसे सब कंडीशन में ये अच्छा है। तो ये कहाँ पे अच्छा है? बाउंसर्स दीज थिंग्स आर गुड। अगर आप क्लब स्ट्रोक है आपको, तो कहाँ पे क्लब स्ट्रोक अच्छे है? मे बी, बाउंसर्स के लिए। अरे नहीं, बाउंसर्स बाउंसर के क्लब शॉक रहेंगे ना, तो उसको दूसरे दिन छोड़, मतलब पीपल विल नॉट कीप हिम एज बाउंसर्स। बाउंसर का काम है कि झगड़े को रोकना। डिफेंस बाउंसर का काम झगड़ा करना नहीं है, फॉर द बेटर। हुआ सेइंग बाउंसर्स बाउंसर्स नॉट डिफेंस नॉट हाँ डिफेंस हाँ जैसे डिफेंस में हो सकता है ना, जब लड़ाई युद्ध चल रहा है, बॉक्सर बॉक्सर को बहुत अग्रेशन लगता है, दे आर सपोज टू बी वेरी अग्रेसिव वाइल फाइटिंग, किक बॉक्सिंग, कमांडोज। बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स है ना, जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी अग्रेसिव विथ योर बॉडी विथ अदर्स एज वेल नो। वो अगर आपका आपका आप कुछ ऐसी जगहों पे काम करो जहाँ पे आपको ना एक हलाल करते सैक्रिफाइस करते हो, ऐसी जगहों पे देर यू आर सपोज टू बी अग्रेसिव एज वेल नो, यू आर टेकिंग लाइफ ऑफ सम एनिमल एंड ऑल। सो इफ यू आर अ डॉक्टर, वर्षा वो रहने कमेंट डाला, इफ यू आर अ डॉक्टर सर्जन, आपको तो काटना है ना दूसरे का स्किन, है ना, कितना हिम्मत का काम है वो। वहां पे तो ऐसे इसीलिए देखो, इसीलिए ये काम करना इजी नहीं है बहुत। इसलिए ऐसे कामों को करते समय लोग नशे में होते, बिना नशे के वो मतलब थोड़ा सा नशा नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो है ना खून खराबे वाले बहुत गंदे वाले काम जो रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेशन या बहुत सारा जो है इस तरह की चीजें करनी पड़ती है, जैसे पोस्टमार्टम करते समय काफी सारे लोग जो है नशे में रहते हैं, बिकॉज दे आर सपोज टू बी इन दैट वे, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म एल्स नो। वो किसी भी सेन आदमी का काम नहीं, वो इनसेन आदमी का काम है। और पागलपन आपके दिमाग में तभी आएगा जब आपके बॉडी में कुछ नशा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि क्लब स्ट्रोक अच्छे है अगर आप उस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप लाइफ को रखते हो क्लब स्ट्रोक के सामने, तो आपके क्लब स्ट्रोक जो है आपकी हेल्थ को और आपकी लाइफ को खराब करते हैं। तो क्लब स्ट्रोक ऐसे एडवाइजेबल नहीं है, पर अगर आपकी प्रोफेशनल डिमांड ऐसी है तो आप चाहो ना चाहो आपके हैंडराइटिंग में क्लब स्ट्रोक आ ही जाएंगे। सबसे ज्यादा क्लब स्ट्रोक कहाँ पे दिखते पता है आपको? सबसे ज्यादा क्लब स्ट्रोक वो आप उसका हैंडराइटिंग देखने के लिए क्या आप अफगानिस्तान गए हो? तालिबान गए। सबसे ज्यादा क्लब स्ट्रोक हमने जो देखे आज तक, वो हमने देखा है प्राइमरी टीचर्स की हैंडराइटिंग सर सबसे ज्यादा, मतलब किंडरगार्टन। उस मैटर में सर टीचर्स का तो क्लब स्ट्रोक होता ही है क्योंकि वो टिक भी करते हैं, राइट करते हैं, तो उसमें वो करेक्ट, मतलब बहुत अग्रेशन है उनमें। उनके हस्बैंड को पूछो घर पे कितनी पिटाई होती है, बहुत ज्यादा क्लब स्ट्रोक, क्योंकि इनको ना वो क्योंकि बच्चों को नॉनस्टॉप संभालना, आप एक व्यक्ति को संभालना कितना मुश्किल है आप सबको पता है। यहाँ पे ये व्यक्ति इतने सारे बच्चों को एक साथ संभाल रहा है, इट्स वे टू डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू हैंडल ऑल दोस पीपल। तो उनकी हैंडराइटिंग में आपको क्लब स्ट्रोक बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए उनका वेट भी आप देखो वो थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है। मोस्ट ऑफ दी प्राइमरी टीचर्स का जो वजन है वो बढ़ जाता है, वो हायर साइड पर रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू सर।